तो मैं अपना विस्की पी रही थी और हमारी और गाने गाना गा रहे थे वो लोग, श्रीलंकन सॉन्ग, सारे हिंदी गाने। तो हमारी दोस्ती इतनी पक्की एक शाम में हो गई ना, जब भी मैं जाती थी पे बोलती थी यार बेटा, धूम बूम 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 करके आते थे, वाज ग्रेट फन यार, अच्छे लड़के। तो उसने ऐसे देखा, दैट्स द श्रीलंकन ओशन, ऐसे सेंस ऑफ प्राइड है उनमें। अच्छा तो जो वो है राम सेतु, आपने तो देखा होगा ना, वहां पे मैं गई नहीं हूँ, जाना है मुझे। आज भी है वहां पे, मैंने भी नहीं देखा कुछ भी ऐसा, मतलब श्रीलंका यू मस्ट गो, और इतना आसान है, अभी डायरेक्ट फ्लाइट है यार। अभी तो बीच में कुछ हो गया था, हाँ वो प्रॉब्लम थे, मगर अभी दे हैव ओपनड अप। देखो एक चीज वो समझ लेते हैं कि हमारा टूरिज्म जो है इज आर मेन स्टे, तो उसको मैं सराउंड में, पहले जब भी मैं गई थी तो उस टाइम पे तो इतने तो उसके बाद में इजी हो गया, देन टूरिज्म बूम्ड, तो प्राइसेस जो थे दे वेंट थ्रू द रूफ, मगर फिर भी हमारी करेंसी जो है वहाँ पे डबल हो जाती है, तो एक फीलिंग आती है कि आ ब्यूटीफुल कंट्री। मुझे जैसे आसाम जब भी मैं गई थी, वो ब्रह्मपुत्र में जब भी मैं एक क्रूज के लिए गई थी, आई परसिस्ट हिट मी वेरी हार्ड, कामाख्या मंदिर, फिर मैं काजीरंगा गई थी। कामाख्या मंदिर और वहीं पे आई थिंक दो दिन पहले एक उस टाइम पे मैं पहुंची थी, मगर एक सेंस ऑफ उस स्टेट में एक सेंस ऑफ मेलनकली है। ब्रह्मपुत्र पे जब भी आप जाओ यार, ऐसा लगता है कि उफ जो पावर है ना रिवर का, तो आई एम भाई, जैसे अभी मुझे स्विम स्विम